नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आए हैं, उसमें मुझे बहुत सारी आलोचना का सामना करना पड़ा है। हर किसी ने कहा है कि मोरबी महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में है। मैं भी जानती हूं, इस पर वीडियो भी बने हैं, हमारे न्यूज़ में भी चले हैं। वो हो सकता है फ्लो में मेरे मुँह से गुजरात की जगह महाराष्ट्र निकल गया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और करेक्ट करती हूँ कि मोरबी गुजरात में है। वो जस्ट एक एग्जाम्पल था पत्रकार के लिए कि एक पत्रकार कहीं भी कवरेज कर सकता है, वो कहीं भी खड़ा हो, इस बारे में वो मैं एग्जाम्पल दे रही थी। आज का जो वीडियो है वो है MIB से रिलेटेड। इस पे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि MIB में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, और कुछ लोगों ने तो ये भी पूछा है कि MIB क्या होता है। तो MIB होता है सूचना प्रसारण मंत्रालय। इसी मंत्रालय से जितना भी भारत का मीडिया है उसका पंजीकरण होता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जनसंचार के और सूचना के माध्यम यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, जिनकी सरकार निगरानी करती है, जिनके ऊपर काम करती है। इसके अंदर जितने भी जन माध्यम हैं, चाहे वो फिल्म हो, TV हो, ड्रामा हो, अखबार हो, सब कुछ इस मंत्रालय से ही गवर्न होते हैं। यहाँ तक कि इसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है TV, वो उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ से होता है, लाइसेंस दिया जाता है। और जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए एक अलग विभाग है RNI, वहाँ से प्रिंट मीडिया का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो भी MIB के अंदर ही आता है। MIB यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हिंदी में सूचना प्रसारण मंत्रालय। इसके जो मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। वो काफ़ी आप उनको देखते होंगे, बहुत मुखर हैं, बहुत बोलते हैं, आप उनसे भी परिचित होंगे। तो MIB में जो है अभी तक जो रजिस्ट्रेशन के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वाले लोग। जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कोई रजिस्ट्रेशन MIB के माध्यम से नहीं होता। तो अगर आप भी अपना केवल वेबसाइट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से खबरों को देने का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अलग क्राइटेरिया है। आपको वहाँ पे केवल इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक फॉर्म भरना होता है और उस फॉर्म को आपको ईमेल करना होता है। तो अगर आप भी केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, यानी MSME के थ्रू रजिस्टर्ड होकर आप अपना वेब पोर्टल चला रहे हैं या फिर न्यूज़ वेबसाइट चला रहे हैं, इस फॉर्म को जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं उसको भरना है। एक जस्ट सिंपल सा फॉर्मेट है, उसे भरकर आपको MIB की इन ईमेल ID पर भेज देना है। इसको आप ये ना समझें कि ये रजिस्ट्रेशन है और आपको ये मान्यता दे रहा है कि आप मीडिया हैं और आप प्रेस आईकार्ड इशू कर सकते हैं, या फिर आप पत्रकार हैं, आप अधिमान्यता यानी एक्रेडिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आप इसके माध्यम से कम आपने इन्फॉर्म कर दिया कि आप डिजिटल मीडिया हैं जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में अपनी सूचना दे रहे हैं कि हम किस चैनल से रिलेटेड हैं, हमारे चैनल का नाम क्या है, ये कब शुरू हुआ। अगर हमारे चैनल की किसी भी खबर से या किसी भी कंटेंट से किसी को शिकायत हो तो वो दिए गए नंबर पर या ईमेल पर संपर्क कर सकता है। ऐसा MIB ने फॉर्मेट में मांगा है, तो ये फॉर्मेट में भरकर आपको भेजना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप अपने चैनल के जो अबाउट अस होता है उसको बहुत हल्के में लेते हैं, उसके अंदर अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं डालते। आपको वहाँ पर अबाउट अस को प्रॉपरली अपडेट करना चाहिए कि आप हैं कौन। अगर किसी को आपसे कोई समस्या है या फिर आपको अप्रिशिएट भी करना है, तो कम से कम वो आपको अबाउट अस से पढ़कर आपसे संपर्क तो कर सके। तो आप अबाउट अस में डिटेल्स अपडेट करेंगे। इसके बारे में MIB ने बाकायदा निर्देशित भी किया है, डायरेक्ट किया है कि आपको बताना है कि आपके यहाँ पर कौन व्यक्ति है जिसमें कि किसी भी तरह की कंटेंट से अगर किसी को परेशानी है तो वो वहाँ पर शिकायत कर सके। इसे ग्रेवियंस रीएड्रेसल ऑफिसर भी कहा जाता है। ये वैसे तो जो है OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में बहुत सीरियसली है, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत के अंदर न्यूज़ मीडिया चला रहे हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यानी जो केवल MSME रजिस्टर्ड होकर काम कर रहे हैं, उनको भी अपने बारे में जानकारी मंत्रालय को देनी है। ये अनिवार्य है, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर आप इसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ना माने, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। अब रही बात कि आप अगर मान लीजिए डिजिटल मीडिया हैं और आपने इन्फॉर्म भी कर दिया तो आप काम कर रहे हैं, तब भी फील्ड में आपको दिक्कतें आएंगी। जैसे आप प्रेस आईकार्ड इशू नहीं कर सकते, जैसे कि आप फील्ड में जहां पर बहुत सारी जगह है जहां रेस्ट्रिक्टेड है आम आदमियों के लिए, वहां पे आप कवरेज नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप RNI से अपना अखबार रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या फिर आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप करने में ये होगा कि आपकी आइडेंटिटी बनी रहेगी, आपकी पहचान, आप अपने लिए ही काम करेंगे और आपके पास जो राइट टू कवरेज यानी किसी भी जगह पे जाके
कवरेज करने का अधिकार होगा वो लीड इंडिया के मीडिया टाइप के थ्रू होगा। तो इसमें हम आपकी पहचान और आपकी आइडेंटिटी में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन इतनी उम्मीद करते हैं कि आप सच्ची पत्रकारिता करें और आप वहां जो भी आपके क्षेत्र की खबरें हैं वो दें। लीड इंडिया आपको प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी भी देता है, जिसके माध्यम से आप इजीली प्रेस कार्ड इशू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं MIB के बारे में आपकी जो राय है वो क्लियर हुई होगी। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कॉल नहीं लगती, तो आप WhatsApp पे मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको कॉल बैक कर लेंगे। वैसे कॉल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप जब कॉल करें हेल्पलाइन नंबर पर, तो वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप हिंदी में जानकारी चाहते हैं या अंग्रेज़ी में, तो आपको उसी के अनुसार एक या दो चुनना होता है। ये काम जल्दी जल्दी करना है, अगर आप डिले करेंगे तो IVR ओवर हो जाएगा। फिर आपको जैसे 11 प्रेस कर दिया तो आपकी सीधे एग्जीक्यूटिव से बात हो जाएगी, या फिर आपने 1 और 2 प्रेस किया तो भी आपकी सीधे एग्जीक्यूटिव से बात हो जाएगी, या फिर आप WhatsApp मैसेज छोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।